कुमार यादव टीम इंडिया की बैटर इस समय गजब की फॉर्म में है। T20 क्रिकेट में लगातार तेजी से रन बना रहे हैं और इसी चीज का अब उनको फायदा भी मिल रहा है। अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर सूर्या ICC T20 रैंकिंग में अपने करियर की सबसे बेस्ट पोजीशन नंबर 2 पर आ गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल करियर बेस्ट रैंकिंग के साथ सूर्या के नाम के आगे अभी 816 पॉइंट्स है और वो नंबर 1 पर बैठे बाबर आजम से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं। बाबर आजम के नाम के आगे 818 पॉइंट्स है। ऐसे में सूर्या अगर इसी फॉर्म को जारी रखते हैं तो वो जल्द ही नंबर 1 का स्पॉट हासिल कर लेंगे। आपको बताएं, सूर्या की रैंकिंग को बढ़िया करने में सबसे बड़ा रोल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में आई उनकी पारी का है। इस मैच में सूर्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 76 रन बनाए थे। इस पारी के दम पर उन्होंने 5 मैच की सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 की लीड दिलाई और खुद के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। इनके अलावा बैटिंग रैंकिंग में बाकी इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो सूर्या के बाद दूसरे बेस्ट इंडियन बैटर के तौर पर ईशान किशन हैं। ईशान रैंकिंग में 14वें नंबर पर हैं। 16वें पायदान पर रोहित शर्मा हैं और 28वें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। विराट एक पायदान नीचे खिसके हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग की बात की जाए तो टॉप 10 में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार का नाम शामिल है। भुवनेश्वर नंबर 8 की पोजीशन पर हैं। उनके अलावा 20वें पायदान पर स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्हें एक पायदान का फायदा हुआ है, और तीसरे बेस्ट हर्षल पटेल हैं जो कि 26वें नंबर पर हैं और वो 3 पायदान नीचे गए हैं। वहीं ऑलराउंड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के स्टार हार्दिक पांड्या नंबर 13 की पोजीशन पर काबिज हैं। उन्हें 2 पायदान का फायदा मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।